वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी के व्रत पूजन शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। इसे गोपा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाष्टमी का व्रत यह हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस व्रत को मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन इस दिन गाय माता की पूजा की जाती है और इस दिन साथ में भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है, जिससे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी के दिन विशेष करके गौ माता का पूजन करने से, उनका चरण धूलि लेने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार गोपाष्टमी का व्रत 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गौ माता का पूजन करते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था। जब ग्वालों की नगरी में गाय पाला जाता था तो भगवान श्री कृष्ण उन गायों को चराने के लिए जाते थे और गोपाष्टमी के दिन ही ग्वाल जो गाय पालन करते हैं, कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के एक दिन पूर्व इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है, क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही गौ माता का होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गौ भी मनुष्य जाति को लाभ ही प्रदान करता है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, यहाँ तक कि गौमूत्र आदि भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसे कर्तव्य माना जाता है कि गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इस बात का संकेत भी देती है कि पुरातन युग में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की थी, तो हम तो कलयुग के मनुष्य हैं। यह त्योहार हमें बतलाता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। सभी जीव जंतु वातावरण को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार सभी एक दूसरे के ऋणी हैं। इसलिए गोपाष्टमी के दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन सुबह उठ करके स्नान करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और विधिवत गौ माता का पूजन करना चाहिए। इस दिन गौ और गौ के बछड़ा सहित उन्हें अच्छे से स्नान करा करके उनका श्रृंगार करना चाहिए, पैरों में घुंघरू बांधना चाहिए और अन्य आभूषण भी जहाँ तक हो सके पहनाना चाहिए और गौ माता के सिंगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। इस दिन अगर क्षमता हो तो ग्वालों को गाय भी दान किए जा सकते हैं। यदि लोग सुबह में पूजा करने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए और अन्न आदि जो भी कुछ बन सके वह गुड़ मिश्रित होना चाहिए और वह गौ माता को खिलाए, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। सुबह और शाम के वक्त गोपाष्टमी के दिन इस दिन गौ माता का पूजन करना चाहिए और शाम को जब गाय लौट करके आती है चरने के बाद, तो उस समय भी गौ माता का विधिवत पूजन करके उनकी आरती उतारनी चाहिए और उनके चरण का धूल अवश्य ही अपने माथे पे लगाना चाहिए। इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौ माता में सभी देवताओं का वास माना गया है, तो उनसे सभी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं गोपाष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ मुहूर्त के अनुसार आप पूजन करें तो लाभकारी हो। गोपाष्टमी का व्रत कार्तिक माह शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 11 नवंबर 2021 दिन गुरुवार सुबह 6:51 और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 13 नवंबर 2021 को सुबह 5:50। गोपाष्टमी का व्रत 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन ध्रुव योग होगा जो कि अगले दिन सुबह 5:15 तक होगा। इस दिन राहु काल का समय, राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो
तो इस दिन राहु काल समय होगा सुबह 10:11 से सुबह 11:34। यह राहु काल का समय होगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य ना करे। इस दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजन करना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त सुबह और शाम के वक्त इस दिन गौ माता का पूजन किया जाता है। तो सुबह के लिए चौघड़िया शुभ मुहूर्त होगा। चर लाभ और अमृत नामक शुभ मुहूर्त जो कि सुबह 6:05 से सुबह 10:10 तक आप इस दौरान पूजन करें सुबह के समय में, और फिर एक मध्यकालीन में जो कि दोपहर 3:40 से लेकर के शाम 5 तक यह चर नामक शुभ मुहूर्त है। उसके बाद फिर मुहूर्त नहीं है, इसलिए फिर आप करें जो शाम के 5 से पहले ही पूजन कर ले। 3:40 में पूजन ना करें। शाम 4:30 से पूजन आरंभ करें और 5 तक पूजन समाप्त कर ले। उसके बाद अगर इसमें भी मौका नहीं मिल पा रहा है तो रात्रि में 8:18 से रात्रि 9:55 तक यह लाभ नामक मुहूर्त है। इस दौरान आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके संध्या 5 तक पूजन कर ले तो लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।